आपने जब ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया होगा तो आपके दिमाग में क्या थॉट होंगे कि मैं फिर से वही सब करूंगा जो मैंने पहले किया है या फिर मैं कुछ नया करूंगा, मैं वो सारी गलतियां नहीं दोहराऊंगा, ये सारे डिसीजन देखेंगे दिमाग में, ठीक ना? मेंटेलिटी तो यही थी ना ड्रॉप लेते समय। अरे बोलो, कोई ऐसे ही तो 1-1.5 लाख रुपए देके एडमिशन नहीं लेता, बड़ा अमाउंट होता है कि नहीं, है ना? कहीं ना कहीं हम थोड़ा मस्ती में रहते हैं लेकिन हमें दिमाग में हर बच्चे की ये रहता है कि यार पेरेंट्स कब तक कर चुके हैं, और कोई बहुत ज्यादा रही से अलग बात है, ऐसे झाड़ने से 1 लाख रुपए गिरते हैं अलग बात है, समझे? तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अपने डिसीजन को याद रखो जो आपने लिया था, ताकि अगले साल जब यही सेम सिनेरियो पे जब आप उस समय रहो तो आपको ये रिग्रेट ना हो कि यार मैंने इस साल फिर से वही चीज किया जो मैंने पहले करता रहा था। आ रहा है समझ में? तो ये चीज मत करो, अपने डिसीजंस को सुधारने की कोशिश करो। अगर आप ये सोच के देखो ना, अगर आप सेम ही चीजें करते रहोगे तो आपको कोई नया रिजल्ट कैसे मिलेगा, है ना? अगर मैं सेम ही चीज बार बार वही उसी पैटर्न में करता रहूंगा तो मुझे कोई नया रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए खुद से। अगर आपको खुद से कोई नया रिजल्ट चाहिए तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी तो आपने पहले नहीं करी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे वो समझ में? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, कार चलाना किस किस को आता है और बाइक किसी को नहीं आता, लेकिन देखा तो होगा ना मूवी में कार वगैरह चलाते हुए लोगों को, रोड पे देखा होगा, देखा है कि नहीं? कार का आइडिया सबको होगा, है ना? कार में आपने एक चीज नोटिस करिए, कार या कोई भी व्हीकल ले लो, सामने का विंडशील्ड बहुत बड़ा होता है कि नहीं, और रियर व्यू मिरर छोटा सा होता है कि नहीं? क्यों होता है? कहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो सामने आ रहा है उस पे या जो पीछे चला गया उस पे? सामने जो सामने आने वाला है ना, क्योंकि सामने जो आ रहा है चीजें उस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना लाइफ भी ऐसी होती है। आपको अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, थोड़ा भी ट्रैक से हटे एक्सीडेंट हो जाएगा, समझ में आई बात? मैं ये नहीं कह सकता कि रिकवरी नहीं होगी। कुछ लोगों को देखो क्या होता है, कुछ लोग पहले से बहुत ही सेफली चलते हैं, पहले से सारी चीजें सोचते हुए चलते हैं, कुछ लोग एक्सीडेंट होने के बाद सुधरते हैं। मैं एग्जाम्पल उसका ले रहा हूँ ताकि वो आपको समझ में आए, ठीक है? कुछ लोग लाइफ में कोई हादसे हो जाते हैं, या घर में जैसे बहुत बड़ा हादसा हो गया, नीट नहीं निकला, तब जाके दिमाग की बत्ती चलती, अरे यार जैसा रहता था लाया है, समझ? तो वैसे क्या होता है लाइफ में, जैसे हम ड्राइविंग करते हैं वो भी इसी तरह होती है कुछ, क्योंकि जो कार बनाते हैं उसको पता है कि जो पीछे निकल गई चीजें उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है। आ रहा है समझ में? आ रहा है? उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ध्यान देने की जरूरत अपने फ्यूचर पे है। और हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। हमारी जो लाइफ की गाड़ी होती है ना, उसमें क्या करते हैं, हमारी लाइफ की जो गाड़ी होती है उसमें रियर व्यू मिरर इतना बड़ा होता है और फ्यूचर का जो मिरर होता है वो छोटा सा होता है, विंडो, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हम पूरे पास्ट को लेके बैठे रहते हैं, यार मेरा तो ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, होता है कि नहीं? ये दिन भर सोचते रहते हैं, कोई आउटपुट है उसका? हाँ, आप खुद सोच के देखो, अगर गाड़ी वाला ऐसी गाड़ी बनाने लगे जिसमें रियर व्यू मिरर इतना बड़ा है और सामने देखने वाला मिरर इतना सा है, क्या आप गाड़ी चला पाओगे? हाँ, क्या आप कभी भी आगे बढ़ पाओगे? क्या नहीं बढ़ पाओगे? क्यों? क्योंकि आप पास पे लगे हुए हो, आपको जाना इधर है, आप ध्यान उधर लेके बैठे हो। अरे समझ में? किसका ध्यान रखा करो, अपनी लाइफ को ना सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करो। क्योंकि देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने छुट्टी मनाई क्रिसमस में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी लाइफ में क्या होता है ना, हम इंजॉयमेंट वाली चीज को ना अपना मान के करते हैं, है ना? कि मेरा हक है, मुझे ये करना है, कोई मना भी नहीं कर रहा, आपका हक है, आप करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन पढ़ना भी आपका हक है। और पढ़ाई को हम लोग ऐसे लेते हैं ना जैसे कि मतलब कोई बोझ है हमारे साथ, ऐसा नहीं है, समझ में आई बात?